दोस्तों मेरे पास सामने एक पेशेंट है डायबिटीज के, उनके किडनी में एक ट्यूमर है जिसको कि आज से 3 दिन बाद ऑपरेट होना है। अभी खाली पेट का 200 आता है, खाने बस 350 आ रहा 350, और इंसुलिन मिक्सटार्ड सुबह 10 शाम 6 लगा रहे हैं, एमरिल गोली भी खा रहे हैं सुबह शाम। तो अगर 3 दिन के अंदर शुगर कंट्रोल करना है तो बेस्ट होता है कि आप इंसुलिन को कम से कम 3 बार या 4 बार लगाएं, नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, साथ में डेली शुगर चेक करने के बाद डेली इंसुलिन बढ़ाएं। नॉर्मली जैसे पहले कई वीडियो बता चुका हूं मैं, हर 1 किलो वजन पर कम से कम 0.5 यूनिट इंसुलिन चाहिए होता है, एवरेज 1 यूनिट इंसुलिन चाहिए होता पर किलो पर डे, और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती 1.5 यूनिट पर किलो पर डे। इस मरीज का वेट है कितना वेट इनका 85 को अगर 0.5 डिवाइड कर दो, इनको चाहिए पर डे कम से कम 42 यूनिट, एवरेज 85 यूनिट पर डे, मैक्सिमम चेक कर 130 यूनिट पर डे। इनको चाहिए कम से कम 45 यूनिट पर डे, ले रहे केवल ये 16 यूनिट, तो डोज कम ले रहे हैं। बट ये बोलते हैं कि जहाँ 10 यूनिट इंसुलिन लगाता सुबह उनको घबराहट होती है। तो घबराहट क्यों होती है आपको? घबराहट में 2 कारण, या तो शुगर लो हो रही है ये टेंशन है। अब क्वेश्चन पूछ, क्या शुगर लो हो रही है क्या आपकी? ऐसा लगता है शुगर लो हो रही है? मीटर में तो नहीं दिख रहा है शुगर लो है। शुगर लो नहीं हो रही है, फिर क्या है ये? ये टेंशन है। टेंशन किसी का? ऑपरेशन टेंशन, बीमारी टेंशन, इंसुलिन टेंशन नहीं है। आप खुश हो, दुखी हो, टेंस हो, क्या हो? दुखी है, प्लस इंसुलिन का डर भी होगा, होता है। तो जान लो इंसुलिन एक ही नुकसान करता है, शुगर लो कर सकता है। शुगर लो का मतलब कि बिलो शुगर 70 कम आ जाए। उसके लक्षण क्या होंगे? घबराहट, धड़कन, पसीना, हाथ कांपे, लग कुछ होने वाला है, तो फटाफट 3 चम्मच चीनी या ग्लूकोज खा लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर 3 दिन शुगर कंट्रोल करना है तो इसमें जल्दी बढ़ाना पड़ेगा, कछुआ चाल से 3 दिन में नहीं 30 दिन में कंट्रोल आएगा। तो इनका क्या करूँगा मैं? इंसुलिन चेंज करूँगा मैं। मिक्सटार्ड इंसुलिन बहुत स्लो एक्टिंग होती है, इतना जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकता है। इनको ऐसा इंसुलिन देनी पड़े जो कि लगाओ फटाफट काम करे, जबकि मिक्सटार्ड लगने के 1 घंटे बाद काम करती है। मिक्सटार्ड इंसुलिन पीपी कंट्रोल कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, लगाओगे, लगाने के इसका असर शुरू होता है करीब 1 घंटे बाद। जब तो असर आएगा तब तो प्लस क्वालिटी 30 हो चुका होता है। तो जो आजकल नई इंसुलिन आ रही है, यूग्लिसिन मिक्स, ह्यूमलॉग मिक्स, नो मिक्स, राइजोटेक, ये सब इंसुलिन अच्छी वाली इंसुलिन होती हैं, ये लगाते काम शुरू कर देती हैं। इससे खाली पेट कंट्रोल अच्छा था, पीपी कंट्रोल खाने बाद भी कंट्रोल अच्छा आता है, और इससे शुगर लोग चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन कम से कम 3 बार लगाना पड़ेगा, नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, और सबसे अच्छा चाहिए तो 4 बार इंसुलिन लगाना पड़ता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन नाश्ते से पहले, शॉर्ट लंच से पहले, शॉर्ट डिनर पहले, और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बेटर है, बेस्ट होता है। तो क्या चाहते हो इंसुलिन, 3 बार चाहते हो या 4 बार चाहते हो, ये बताओ मुझे। और बहुत बढ़िया चाहिए तो 4 बार चाहिए मुझे, तो 4 बार लिख दो। तो 4 बार में कितने यूनिट्स? यूनिट हम बढ़ाएंगे अभी उनके थोड़ा बढ़ाएंगे। अब इनके एक बड़ा मजेदार बात है, नाश्ते के बाद इनका शुगर 300 था, 350 था 2 घंटे बाद, अभी 112 आ रहा। 112 क्यों? क्यों? क्योंकि उसने अब काम करना शुरू किया ना। इतनी बात हुआ, मेरा सुबह कुछ खाया नहीं हो रहा, लंच के नाश्ते में कुछ खाया नहीं हो रहा, अभी नाश्ते में खाना खाया, उसका कुछ नहीं खाया उन्होंने, वही कह रहा हूँ, तब से शुगर कम कर शुरू किया करके अब जाके अच्छा आ गया है। तो डायबिटीज वालों को जो शुगर कंट्रोल अच्छा तो हर 2.5 घंटे में कुछ खाना पड़ता है, नाश्ता खाना पड़ेगा। अगर नहीं खाओगे तो शुगर, मान लो तुमने खाली पेट 90 आ गया, खाने में 140 आ गया, और जहाँ 2.5 घंटे में कुछ नहीं खाओगे शुगर लो हो जाएगी। तो शुगर लो ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम टाइम खाना पड़ेगा, समझ गए? तब जाकर डायबिटीज कंट्रोल आएगी। हाँ, और ऐसे नॉर्मली कितने मरीज भर्ती कर हम लोग करते हैं शुगर लो ध्यान रखने के लिए, तो अगर तुम घर पर डेली खाओ तो ऐसे कर दूँ मैं, ठीक है? तो मैं 3 बजे स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं, ठीक है? हाँ। तो फास्टिंग में इतना क्यों होता है, 180-200 सुबह सुबह? 6 मिनट कम चल रहा है। अच्छा, रात में जब देखते हैं बहुत कम चल रहा, बहुत कम चल रहा है, इसलिए दूध कम लग रहा है इनका। तो इसका इंसुलिन का किडनी पे और हार्ट पे ऐसा कुछ डायरेक्ट असर तो नहीं होता? इंसुलिन एक ही नुकसान, शुगर लो, शुगर लो, शुगर लो, और कोई नुकसान नहीं है, लिख के गारंटी है, ठीक है? तो अगर 3 दिन में कंट्रोल करना है तो आपको इंसुलिन कम से कम 3 या 4 बार लगाकर डेली इंसुलिन बढ़ाना पड़ेगा। आपने खाली पर सुबह चेक कर, आपने इंसुलिन मान लो आज मैं सपोज लिखूंगा, रात 10 लिखूंगा मैं, कल सुबह चेक किया तो 180 आ रहा, कल 10 से काम तो 12 कर लेंगे, फिर चेक करेंगे तो 150, फिर तो बढ़ा, इतना करना पड़ेगा।
हम नाश्ते पर आज आज इंसुलिन इनको लिखूंगा मैं 15 लिखूंगा मैं, कल नाश्ते बच्चे क्या 220 आ गया 15 लगा के, तो 15 काम 17 कर लेंगे, ऐसे कंट्रोल आएगा। तो शुगर चेक करना है पहले उसके उससे बढ़ाना फिर बढ़ाना है हाँ शुगर के हिसाब से। हाँ आज आज तूने अभी हम शुगर चेक किया, मैंने अभी नाश्ते का शुगर चेक करेंगे, लंच का चेक करेंगे हम लोग खाना खिलाने के बाद, और शुगर 220 आ गया तो इस तरह बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो आई होप इस वीडियो से क्या समझे आप, डेली शुगर चेक करो, खाली पेट भी चेक करो, खाने बाद भी चेक करो, लंच के बाद भी चेक करो, डिनर बाद भी चेक करो, कम से कम 4 बार टेस्ट करना पड़ेगा, 4 बार तब जाके एडजस्टमेंट हो पाएगी। और जल्दी कंट्रोल करना है तो 12 बार टेस्ट करो, रोज इंसुलिन बढ़ाओ तब कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि जब तक शुगर खाली पेट 120 से कम नहीं आए, खाने में 180 कम नहीं आएगी, डॉक्टर ऑपरेट नहीं करेगा, समझ गए। तो डॉक्टर साहब लॉन्ग टर्म के लिए इंसुलिन नहीं रख सकते, तो उसके लिए क्या एडवाइस? फिर बाद गोली चेंज करें, ऑपरेशन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इंसुलिन पे तब नहीं रहेंगे। चलने कोई दिक्कत नहीं, गोली काम करो नहीं रहा, गोली काम नहीं करती, टेंस में गोली काम नहीं करती है। हाँ।